वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद बीजेपी नेताओं का क्या कुछ कहना है, आइए सुनाते हैं। नेशन वन इलेक्शन बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि चुनाव पर जितना खर्च होता है ये कहीं ना कहीं करदाताओं के पैसे से ही होता है। जितना पैसा बचेगा तब कह सकते हैं कि एक स्टेट का बजट। अब राष्ट्र हित में जरूरी है कि उनके दल के हित में जरूरी तय करना है। देश की जनता चाहती है कि वन नेशन वन इलेक्शन हो, और खुशी होगी कि यह लोकसभा राज्यसभा से पारित होकर एक कानून का रूप ले ले, तो देश के लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि विकास के लिए राशि भरपूर मात्रा में बच जाएगी जिसका उपयोग राष्ट्र निर्माण में किया जाए। देखिए, ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज केंद्रीय कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। अब पूर्व राष्ट्रपति कोविंद साहब के नेतृत्व में जो कमेटी बनी थी उसने हजारों पन्ने की रिपोर्ट देकर वन नेशन वन इलेक्शन का सपोर्ट किया था, और काफी विस्तार से इस बात की चर्चा है इस कमेटी की रिपोर्ट में कि किस तरीके से संसाधन व्यर्थ हो जाते हैं और समय की बर्बादी होती है। पूरे समय देश में कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पर इलेक्शन होते रहता है, उससे विकास कार्य में भी अवरोध होता है और पैसे की भी बर्बादी होती है। तो केंद्रीय कैबिनेट ने इसे अप्रूवल दे दिया है और जानकारी के अनुसार इसे विंटर सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा पार्लियामेंट में। लेकिन ये देश में जो हम लोगों ने कहा था, एक और बड़ा वादा जो किया था देश के साथ, उसको निभाने के लिए आज हमने बड़ा कदम उठाया। तो ये मोदी सरकार है जो कहती है वो डेफिनेटली प्रतिबद्धता रही है कि देश का समय बचाने के लिए, संसाधनों का बेहतर उपयोग करने के लिए, और एक साथ अगर लोकसभा से लेकर विधानसभा और पंचायत स्तर तक के चुनाव हो जाए तो जो प्रशासनिक कार्य बार बार के चुनाव होने के कारण बाधित होता है आचार संहिता के कारण, वो समय बचेगा तो निश्चित रूप से विकास के काम और तेज गति से किए। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले जो कमेटी बनाई गई थी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में, उस कमेटी की कई बैठकें भी हो चुकी हैं और उसको लेकर सरकार के स्तर से जो तैयारी है, कैबिनेट की स्वीकृति मिल गई तो सरकार प्रतिबद्ध है कि इसको आगे बढ़ाना है और सारी तैयारियां इस तरह से की जाएं ताकि अगले जब 2029 में लोकसभा का चुनाव हो और अन्य राज्यों के जब चुनाव हो तो वो एक साथ कराने के लिए जो प्रारूप तैयार करने की आवश्यकता है उसको लेकर सरकार तैयार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।